झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया आरोप, संथाल परगना बिल्डर्स के माध्यम से बाबूलाल ने खरीदी सैकड़ों एकड़ जमीन, कहा मरांडी का काला धन इसी कंपनी में निवेश होता है। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है, मैं हूं सूरज कुमार। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने संथाल परगना बिल्डर्स नामक कंपनी के माध्यम से सैकड़ों एकड़ की जमीन अवैध तरीके से खरीदी है। शुक्रवार को रांची में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस कंपनी में बाबूलाल मरांडी के काले धन को खपाया जाता है। झामुमो ने संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कागजात को दिखाते हुए कहा कि इस कंपनी में तीन निदेशक हैं, जिनमें से एक बाबूलाल मरांडी के छोटे भाई रामिया मरांडी हैं, दूसरी निदेशक सुनील तिवारी की पत्नी नीलिमा तिवारी हैं और तीसरे निदेशक मिहजाम के योगेंद्र तिवारी हैं, जो बड़े जमीन दलाल हैं। कंपनी और जमीन दलाल के जरिए संथाल परगना में सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी गई है। इतना ही नहीं, इस कंपनी में बाबूलाल मरांडी के काले धन को खपाया भी जाता है। ये सब बातें जब भाजपा को पता चल गई और बाबूलाल मरांडी को हड़काया गया तो उन्होंने भाजपा में जाना ही उचित समझा। मतलब साफ है कि हर गलत काम को करने वालों की सबसे सुरक्षित जगह भाजपा बन गई है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, मरांडी कहते हैं कि वह कुतुब मीनार से कूद गए थे, भाजपा ने उन्हें बचा लिया, मगर सच यह है कि बाबूलाल जेल जाने से बचने के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं। अब मरांडी भाजपा में अपनी छवि को साफ सुथरा करने के लिए हर दिन अनाप शनाप बोल रहे हैं। अगर ईडी सचमुच में जमीन घोटाले की जांच कर रही है या निष्पक्ष जांच करना चाहती है तो अपना दायरा बढ़ाए और केंद्र सरकार का टूल बनने से बचे, नहीं तो छत्तीसगढ़ की तरह यहां भी ईडी का विरोध होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में और कागजात व सबूतों को सिलसिलेवार ढंग से प्रस्तुत करते हुए सामने लाया जाएगा। सुप्रियो भट्टाचार्य के लगाए आरोप पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झामुमो ने आरोप लगाया है कि नवंबर 2005 में कंपनी संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड बनी, जिसमें दो डायरेक्टर हमसे जुड़े हुए हैं। वो कंपनी आज भी मौजूद है और जमीन और शराब का कारोबार करती है। मैं झामुमो से पूछना चाहता हूं कि उनके द्वारा बताए गए मेरे से जुड़े जिन लोगों का नाम लिया गया है, वो एक भी कागज़ दिखा दें कि आज के दिन वे दोनों किसी भी तरह से उस कंपनी से जुड़े हुए हैं। साथ ही यह भी अनुरोध करता हूं कि वे ये भी बताएं कि उस कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर हैं, किस किस व्यक्ति का शेयर लगा हुआ है। सरकार चाहे तो खुद भी जांच करा ले। सार्वजनिक रूप से बताएं कि उस कंपनी में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। झारखंड की जनता को आज के दिन सब कुछ आईने की तरह साफ दिख जाएगा। अभी की खबरों में बस इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ और पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।